नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चैनल को बदला है, बहुत जल्दी राहुल गांधी भी अपना नाम बदल लेंगे तो क्या जीत जाएंगे। नाम बदलने से नियत और नीति नहीं बदलती, यह बात भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जुलवानिया में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कही। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के विरोधी दलों ने अपना नाम बदला है, नियत नहीं है। गठबंधन पार्टी के नेता के पुत्र सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के पुत्र उसका समर्थन कर रहे हैं, यह उनकी नियत बताती है। प्रमोद सावंत ने कहा कि जुलवानिया के कार्यकर्ताओं ने कमल के फूल को जिताकर भोपाल भेजा तो मैं सबको गोवा वाले का ट्रेन का टिकट दूंगा। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, बस आप किसी की बहकावे में ना आए। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि इस दौरान मंत्री प्रेम सिंह पटेल, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने भी संबोधित करते हुए इस बार राजपुर विधानसभा से भाजपा को जिताने का संकल्प दिलवाया। इस मौके पर मंच पर आईडीए के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नंदकिशोर पाटीदार, अंतर सिंह पटेल, लोकेश शर्मा, अंजना पटेल के अलावा सरपंच, सभी मंडलों के अध्यक्ष मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अजय यादव ने किया। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। ऑटो से आ रहा है, किसकी गलती है भाई, किसकी गलती है? हम कम पड़े तो अभी मुझे लगता है फिर एक बार हर एक युवा ने, हर एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने, हर एक महिला भगीने ने आज से सबको बताना पड़ेगा हमारा कैंडिडेट कौन है। कमल का फूल, आपका वोट किसको है? कमल के फूल को है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम नहीं जीतेंगे। इसीलिए मेरी आपसे विनती है, मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। मुझे खास करके पार्टी ने दिल्ली से यहाँ भेजा है, अमित भाई ने यहाँ पे भेजा है, मोदी जी ने यहाँ पे भेजा है। ये मतदार संघ में जीतना है। युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं बड़वानी जिले की ओर से, राजपुर विधानसभा की ओर से भाई सुभाष पटेल जी, मंचा सिंह, सभी भारतीय बोल रहे थे नहीं, ओम ओम भाई सोनी जी जीत सकते हैं। आप सबकी यूनिटी हो, आप सबकी एक ही हो तो ही हम इस मतदार संघ जीत सकते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि ये मतदार संघ आपने 9000 वोटों से सिर्फ हारा है। हम कार्यकर्ता है, यह सिर्फ एक परिवार के लिए काम नहीं करती, पूरा हिंदुस्तान। हम कम पड़े तो अभी मुझे लगता है फिर एक बार हर एक युवा ने, हर एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने, हर एक महिला भगीने ने आज से सबको बताना पड़ेगा हमारा कैंडिडेट कौन है। कमल का फूल, आपका वोट किसको है? कमल के फूल को है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम नहीं जीतेंगे। इसीलिए मेरी आपसे विनती है, मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। मुझे खास करके पार्टी ने दिल्ली से यहाँ भेजा है, अमित भाई ने यहाँ पे भेजा है, मोदी जी ने यहाँ पे भेजा है। ये मतदार संघ में जीतना है। भाई सुभाष पटेल जी, मंचा सिंह, सभी भारतीय, युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं बड़वानी जिले की ओर से, राजपुर विधानसभा की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद। आप सब लोग हमारे गोवा राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत को विजय बनाए। हमारे यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी बोलू भैया, जनता पार्टी के सभी नेता मेरे साथ में हैं। इस तरह से लोगों का उत्साह
यहाँ जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आगे आने वाली सरकार फिर एक बार कमल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से हमारे मामा शिवराज जी ने यहाँ के मुख्यमंत्री अंत्योदय तक काम किया है, काम लोगों तक दिख रहा है, मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाली सरकार फिर एक बार भाजपा की सरकार रहेगी। जय हिंद। आप जो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाए, आपसे निवेदन करने आए हैं, मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन करने आए हैं कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए फिर एक बार हमारे पीछे बेंच भी खड़ी है भैया, गोवा के मुख्यमंत्री जी है प्रमोद जी सावंत जी, ठीक है राजू भाई, नमस्ते बहन जी, भैया सेगा को जरा कदम बढ़ाइए, कदम बढ़ाइए भैया, बाधाएं आती है तो कदम बढ़ाकर चलना होगा, वो दूर आया कुछ कदम मैं कर लूंगा, भाई कुछ वाले भैया मैंने बोलिए चलेगा तुम पानी लाया भाई, राम राम। चलिए भाई हिंदुस्तान हार्डवेयर वाले भैया, चलो भैया नेताजी हमारे, आपका अभिनंदन, हमारे गोवा के मुख्यमंत्री जी प्रदीप सावंत जी है ना, शिवराज जी जैसे वहां के हो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, धन्यवाद।